बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। तो जी, मेरी तरफ़ से सबको हैप्पी न्यू ईयर, और दुआ है कि परवरदिगार ये साल जो है वो सबके लिए खुशियों भरा हो। अल्लाह ताला जितनी भी वबा और परेशानियाँ बीमारियाँ हैं वो बिल्कुल ख़त्म कर दे, और हर कोई जो है एक नई सुबह के साथ जागे और खुशियों भरी वो सुबह हो। इलाही आमीन। तो जी, आज है जर्निश की बर्थडे। तो रात को जो हमने बर्थडे दी थी वो उसकी अपनी सरप्राइज़ बर्थडे थी, लेकिन अभी जो है मेरे भतीजी भतीजे आ रहे हैं, और इसके अलावा मेरी एक सिस्टर आ रही है अपने बच्चों के साथ। तो जर्निश की फरमाइश पर जो है हम एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, और तो उसके लिए जो है मैं ज़रा जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। यहाँ पर बलून आ चुके हैं, बलून फुलाए जा रहे हैं, और यकीन करें मेरे जबड़ों में दर्द हो गया, क्योंकि जो हमारी जो गुब्बारे फुलाने वाली पंप मशीन होती है वो ख़राब हो गई थी। गणेश की जो है ना एक छोटी सी हम बर्थडे मना रहे हैं, इसके कजन वगैरह आने वाले हैं, उनको भी बुलाया हुआ है, और मन्नी आ गई है, इसकी चहेती मन्नी आ गई है, उसको जबरदस्ती फोन करके बुलाया मैजिक। तो मैं नीचे जा रही हूँ जल्दी जल्दी में, जो है ना बस अर्जेंट हम थोड़ी सी चीज़ें लेंगे बेकरी से और थोड़े से बच्चों के लिए, क्योंकि हमारा इरादा तो नहीं था लेकिन अब अचानक हो गया है, तो फिर चले मेरे साथ चीज़ें लेने। हाय, कम ऑन बच्चों, कम ऑन। अरे मेरी बेबी, कितने बड़े बूंदे पहन, आपने ऐसे लग रहे हैं आपने बूंदे पहने, देखो। अरे वाह, आराम से ले जाओ फिर मीशो। तो जी, मैं जा रही हूँ बच्चों के लिए कुछ लेने। 10 दे दो। चॉकलेट या ये तो बहुत छोटी है, इससे बड़ी नहीं है। कितने की है जी? तो ये चीज़ें मैंने ले ली हैं बच्चों के लिए, और अब चलते हैं हम ऊपर। 2 मिनट में कमरे का हाल। अच्छा जी, मैं ना इमरजेंसी में जाकर ये नीचे से चीज़ें लेकर आई हूँ, क्योंकि हमारा बिल्कुल भी कोई ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन जर्निश की फरमाइश पे फिर जल्दी जल्दी बच्चों को बुलाया फ़ौरन फ़ौरन, तो बच्चे बेचारे आ गए जल्दी जल्दी भागते हुए। जर्निश फातिमा की फरमाइश पर उनकी कज़न्स को बुलवाया है भाई। हाँ, ये हमारी जहरा है, जहरा। हाँ भाई, और ये मीशा है, देखो। तो जनाब, यहाँ से जो नीचे लाई गई थी चीज़ें, उनके प्लेट्स बनाई जा रही हैं, क्योंकि आपको मालूम है बच्चों से बिल्कुल सब्र नहीं होता, और केक कटने के बाद जो है वो फ़ौरन किचन का रुख करते हैं। तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि यार तुम पहले प्लेटें तैयार कर दो, ताकि बच्चे जो है ना अफरा तफरी का शिकार ना हो, और ये ना कहें कि हमें वो नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला। तो बिल्कुल एक इक्वली जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करनी है चीज़ें, तो वो यहाँ पर मेरी मदद कर रही थी। तो जी, कॉपीराइट इशू की वजह से मैं यहाँ पर सॉन्ग्स म्यूट कर रही हूँ, और बच्चे जो थे वो फुल एंजॉय कर रहे थे। आपको तो मालूम है बच्चों को ऐसे मौक़ों पर डांस, म्यूज़िक और मस्ती पसंद है। सो उनको मैंने कहा, भाई तुमने जो करना है करो, और मैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ चकरा रही थी। तो जनाब, ये केक आ चुका है, केक बहुत ही खूबसूरत है और मज़ेदार। तो आपको मैंने जैसे लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि कबाब जी से केक है वो इंतहाई मज़ेदार होता है। जी, तो हंसते मुस्कुराते आज की बर्थडे की तकरीब जो है वो ख़त्म हो चुकी है। बच्चे इंसाफ करें खाने पीने से। जो प्रीवियस बर्थडे था जर्निश का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।